क्या होता है दोस्तों ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस देखिए जब हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोइ करते हैं ना तो हमेशा हमें यह सोचना चाहिए कि अगले जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ बचा के रखना है इसको बोलते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिस तो ऐसे प्रैक्टिस हमें करना है जो सस्टेनेबल है एक्सप्लोइ करो ये नहीं बोल रहा है कि मरइन रिसोर्सेस है या फिर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसे एक्सप्लोय नहीं करना है कर सकते हो आप यूज कर सकते हो पर हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि और एक जनरेशन आने वाला है उनके लिए भी है ये नेचुरल रिसोर्सिस केवल हमारे लिए नहीं है ऐसा नहीं कि हम पूरे खत्म कर दो तो मरेन टूरिज्म में भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस को लेके आना ये ग्रीन फील्ड सबका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों ठीक है मरेन टूरिज्म में बेसिकली क्या क्या होता है दोस्तों एक तो डाइविंग होता है स्नोर्कलिंग होता है डीप सी डाइविंग होता है स्कूबा डाइविंग होता है है कि नहीं तो ये सब में भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाना है यू के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था It sets the global environmental agenda. प्रमोट्स द कहरन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम देखिए दोस्तों बेसिकली एनवामेंट से रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स का इंप्लीमेंटेशन वगैरह और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंप्लीमेंटेशन ये यू ए का काम है दोस्तों यू का हेड क्वार्टर है नैरोबी केनिया में वैसे केनिया का कैपिटल है नैरोबी यू मेजर रिपोर्ट्स कौन कौन सा पब्लिश करते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक फ्रोनचीज इन्वेस्ट इन यू हेल्थी प्लानर तो देखिए आप समझ सकते हो सारी एनवायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स है इनके कुछ मेजर कैंपेंस भी है बीट पोल्यूशन यू एन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वाइल्ड फॉर लाइफ एक्सेट्रा ठीक है ना यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली है वही यू एन का गवर्निंग बॉडी है दोस्तों ये दुनिया का हाइएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है एनवायरमेंट के ऊपर इट मीट्स बाय एनीली टू सेट प्रैक्टिस सॉरी टू सेट प्रियोरिटीज फॉर ग्लोबल एन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड डेवलप इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ तो बेसिकली ये जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली है ये हर दो साल में एक बार मिलता है ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ को डेवलप करने के लिए अगला है प्रणव आनंद बिकम्स ग्रैंड मास्टर बेंगलुरु का प्रणव आनंद इंडिया का सेवेंटी सिक्स ग्रैंड मास्टर बना है एट द वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप इन ममैया ममैयानिया ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक प्लेयर को तीन ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स सिक्योर करना होता है एंड लाइव राइटिंग ऑफ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एलो पॉइंट क्रॉस भी करना है अब ये तीन ग्रैंड मास्टर नॉम्स कौन कौन सा है दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर एस बट देखिए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एलो पॉइंट्स क्रॉस करना होता है आपसे ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलो पॉइंट किस गेम से रिलेटेड है तो बता दीजिएगा चेस से है ठीक है नौ ग्रैंड मास्टर क्या होता है दोस्तों इट इज द हाइएस्ट टाइटल

थर्टी टू थर्टी फाइव में एक बार पता कीजिएगा इसलिए तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई को चेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं अगला है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने तो ये इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के दिन कलमिनेट हुआ है एट जुहू बीच इन मुंबई वैसे इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे हर साल सितंबर 17 को ऑब्जर्व करता है ठीक है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स

यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर सिंह इंस्पायर अवार्ड्स प्रेजेंट किया है टू सिक्स अलॉन्थ फिनेंशियल इंस्टीट्यूट किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ये जो इनोवेटर्स को कंप्लीट इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर देयर एंटरप्रनियरशिप जर्नी तो बेसिकली अपना स्टार्टअप्स क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा नाउ इंस्पेयर स्कीम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों इनोवेशन इन साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंप्लीमेंट किया था बेसिकली 10 साल से लेके बत्तीस साल तक के जो लोग हैं उन्हें साइंस परस्यू करने के लिए और रिसर्च में एक करियर करने के लिए इंस्पेयर स्कीम हेल्प करेंगे वैसे, इस बार इट रिप्रेजेंटेड आइडियाज एंड इनोवेशन फ्रॉम सेवन हंड्रेड एंड टू तो बेसिकली इंडिया के नाइनटी सिक्स में से इनोवेटर्स को एंकरेज किया है इंस्पेयर स्कीम ने तो ये इंस्पेयर स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों जिनका साइंस में टैलेंट है जो साइंस को एस ए कैरियर लेना चाहता है रिसर्च करना चाहता है उन्हें सपोर्ट करना और हमारे देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करना वैसे इंस्पेयर स्कीम का तीन कंपोनेंट्स है वन इज स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट दैट इज सीस

इसके रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सजेशन रिकमेंडेशन वगैरह रहता है फूड सिक्योरिटी एटलस में फॉर एक्साम्पल इट सजेस्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप इंप्रूव एक्सेस टू फूड एक्सेट्रा तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना तो सबसे पहले प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इंश्योर करना पड़ेगा तो इस तरह के डिटेल्स आपको फूड सिक्योरिटी एटलस में देखने को मिलेगा ठीक है तो टू थाउजेंड एटीन में बिहार एंड ओडिशा ने फूड सिक्योरिटी एटलस लॉन्च किया था अब झारखंड इंडिया का सेकंड स्टेट बना है जो फूड सिक्योरिटी लॉन्च किया है झारखंड के रूरल एरियाज के लिए और इसे प्रिपेयर किया है दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ध्यान दीजिएगा नाउ इसमें झारखंड के ट्वेंटी फोर डिस्ट्रिक्ट में से फोर्टीन डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है दोस्तों एंड एंडियर बेल्ट ऑफ सांतल परगना रीजन भी इंक्लूडेड है क्योंकि उधर सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है दोस्तों सांतल के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स भी मैं आपको इसके साथ में बता देता हूं सांतल थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है दोस्तों इंडिया में आफ्टर गोंड एंड भिल तो ध्यान दीजिएगा सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है गोंड फिर भिल फिर सांतल है लोकेशन झारखंड ओडिशा वेस्ट बंगाल में इनके मेजर ऑक्युपेशन क्या है कल्टीवेशन इंडस्ट्रियल लेबर माइनिंग क्वारिंग एक्सेट्रा तो ये संथली लैंग्वेज यूज करते हैं दोस्तों और इनका एक ऑन स्क्रिप्ट है लिपि है वो है ऑल चिकी जिसे इन्वेंट किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू सांतल इन ऑल चिकी स्क्रिप्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द एथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो एट कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस है सांतली। और इंडिया में सबसे ज्यादा सांतल सेटल हुआ है दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास तो दोस्तों hey, आपको वीडियो इन्फॉर्मटिव लगाओगे लेक्चर की पीडीएफ एस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय एन स्टेट